आदाब, नमस्ते, हेलो, सलाम, कैसे है सब? आज है मेरी फुलझड़ी मेरे साथ लई वारी, तो सब तैयार हो, अभी लाइव करके लेती हूँ। हेलो हेलो नौशाद, हेलो नायला, कैसी हो महक? आदाब सफी, आदाब, हेलो किच्छा। वालेकुम अस्सलाम अकनवर। प्राजक्ता, प्राजक्ता मेरी दो दो सहेलियों का नाम है। हेलो नरेश राघव, हेलो सिद्धार्थ निगम 2.0, कसम सोने की अशरफियों की, हाउ हाउ अवनी तारे। हार्दिकी, कपिला, अवनीत कैसी है? मैं ठीक हूँ तन्नो, तनु अरोरा ठीक हूँ। अब देखो कहाँ है फुलझड़ी, एक मिनट एक मिनट। हेलो, माशाल्लाह क्या ग्लो है, 0 वॉट का बल्ब लगाए सारखे दिख रहे सो। कोई बल्ब नहीं, आप बताइए आप कैसी हैं, हम जानना चाहते हैं आप कैसी हैं। मैं तो अच्छी हूँ, तुम अच्छी हो, मैं अच्छी हूँ, दुनिया जाए भाड़े। अपने को क्या पंचायत है दुनिया से? एकदम सही बोला आपने, हमें क्या पंचायत क्या है दुनिया से? तुम एकदम क्या बोलते वो बंबई के जमाना में रापचिक लग रहे जो है। मुझे आपकी एक्सेंट बहुत पसंद है ना, यू नो हैदराबादी एक्सेंट है, बहुत बेहतरीन है। आप मुझे सिखाएंगी हैदराबादी? हाँ हाँ सिखाऊंगी। तुम मेरी वो सहेली को जानते ना, डाली की मम्मी, उन्हों रहती है तुम्हारी शूटिंग के पास, कभी कभी तुमसे मिलने आती है। कौन? अरे वो डाली की मम्मी है, उन्हों तुम्हारे कमरे में भी आती है, उसकी आंखें थोड़ी यूं सो है, उन्हों आती होती किमिया। वो मेरी सहेली है बचपन की। वो आपकी बचपन की सहेली है, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है, मुझे बहुत हंसाती है। हम दोनों छत पे खड़े रह के जवानी में क्या क्या घोल खिला है, तुमको क्या बताऊं मैं। और यहाँ हमारी मम्मी हमें जवानी में गुल खिला भी नहीं देती। अरे क्या है ना, मम्मी लोग हमारी भी नहीं खिलाने देते थे, लेकिन हम लोग करते थे वो क्या बोलते बंबई की भाषा में, झोल। बहाने बना बना को घर से बाहर निकाल जाते थे, कभी बोलते थे सईदा के घर पे जा रहे, कभी बोलते थे डाली के घर पे जा रहे, कभी मैं बोलती थी सोनिया नंदरा के घर पे जा रही हूँ, ऐसे वो उन्हें अलाउट कर देती थी, बोली बहुत अच्छी है, एक शरीफ लड़की है, उनको नहीं मालूम मैं सोनिया से नहीं सोनू से मिलने जा रही हूँ। सो मुझे भी ऐसे आपसे सीखना पड़ेगा। सीख लो, बहुत झोला सिखाती हूँ मैं, झोल की दुकान खोल के बैठी हूँ। मुझे झोल सिखाइए, ये जो सोनिया और सोनू वाला झोल है, हम भी चाहते हैं कि ऐसे कोई झोल हम भी करें। अरे करो, इसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। जैसे मेरी उम्र में मैं तुम लोगों को सुना के तुम्हारा क्या कि बोलते सो, मैं देखो तीन ही चीज करती हूँ यहाँ पे आके, फ्राइडे को, हर फ्राइडे को। पूछो क्या क्या? एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो मेरी ये बात सुन को, तुम्हारा एंटरटेनमेंट होता, पब्लिक का एंटरटेनमेंट होता, मेरी जवानी के सारे किस्से मालूम पड़ गए इनको। अरे बाप रे, आप छुपा नहीं पाई आपकी जवानी, ऐसा इनको लगता है कि किस्सों का तो अभी ट्रेलर भी नहीं मिला है इनको। क्या आने वाला है आगे बताएंगे आप, हमें थोड़ा सा ट्रेलर देंगी क्या क्या आने वाला है आगे? आज तुम्हारी बारी है, तुम मेरे को बताओ तुम क्या क्या झोला किए सो है।
देखिए, झोल करने में तो हम एक्सपर्ट हैं। पर यहाँ पब्लिक डोमेन पे बता नहीं सकते ना। पब्लिक को नहीं बता सकते क्या झोल किया है। और वैसे भी जो आपकी डॉली फ्रेंड है ना, वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मुझे बताती रहती है कैसे झोल करना है। तुम्हें वो शाहरुख खान की एड देखे, सेटिंग कौन सी वाली? इज एवरीथिंग। ओ, अरे आप उनको आप मिली है उनसे? नहीं, मैं एडवर्टाइज देखी थी तो उन्होंने बोला सेटिंग इज एवरीथिंग। मैं बोली यार मेरे को जवानी से मालूम है सेटिंग इज एवरीथिंग। सही जगह पे सही सेटिंग लगा लिए तो आधा काम हो जाता। ये टैलेंट मुझे भी आना चाहिए यार। क्या कर रही हूं मैं लाइफ में, कौन कोई डील कर ओडिशा से हेलो बोल रहा है, हमारा बहुत प्यार बहुत दुआएं ओडिशा के लिए। बहुत मुश्किल की घड़ी है ओडिशा और वेस्ट बंगाल पे अभी, तो हम लोग बहुत दुआएं कर रहे हैं, जल्दी ये वक्त टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दिल को मजबूत रखो, है ना अवनीत। है? यस, एकदम सेम। अच्छा मेरे को ये बताओ, लेटेस्ट क्या झोल कर रहे तुम अकेले अकेले? मैं घर पे बहुत झोल कर रही हूँ। जैसे एक बार मेरे लिए नहीं, एक्चुअली मेरे भाई और मेरे लिए एक स्टारबक्स से ड्रिंक आया था, ठीक है? मम्मा पापा लेकर आए थे, ठीक है? और वो कैसे होता है ना कि एक ट्रीट होता है, दोनों को शेयर करना होता है ये वो, तो वो ऐसा झोल गया मैंने कि अमू ने जय को दिया था। जय ने बोला कि ठीक है कोई नहीं, अवनीत और मैं बाद में पी लेंगे, और मैंने पूरा का पूरा अकेले एक किस्सा मैं जवानी की बातों का बताती हूँ। हमारे बताइए सामने बताइए कर्नल मुझे साहब बताइए। रहते थे, हमारे सामने कर्नल साहब रहते थे। अब लोग पूछेंगे कि हर किस्से में हमारे सामने ये साहब रहते थे, हमारे सामने वो साहब रहते थे। बरोबर है, हमारा घर गोल था, हर हर साइड से कोई ना कोई साहब का घर दिखता था, तो हम क्या करें भाई। खैर छोड़ो, बेहतरीन। हमारे सामने कर्नल साहब रहते थे, उनके दो बेटे, एक बेटा एक बेटी। बेटी के नाम था सोनू, बेटे का नाम था मोनू। ओ, अगेन सोनू मोनू। अगेन सोन, अब बहुत सोनू मोनू है, दुकान खोल सकते हैं मोहल्ले में। पत्थर फेंको तो सोनू को लगता है, पत्थर फेंको आज के जमाने में पत्थर फेंको तो किसी ना किसी के बाबू को लगता है। हमारे जमाने के सोनू आज के जमाने के बाबू हो गए हैं। तो सोनू क्या करता था, अपने अपने बड़े मियाँ यानी अपने डैडी की बोतल खोल के एक दो पैग गटागट पी जाता था। रोज उसमें चई का पानी डाल के रखता था, चई का पानी भी ब्राउन होता ना। और उनको पता नहीं ना चलता था। कर्नल साहब रात को पैग बनाते, बोलते ऐसे चढ़ नहीं रही है, चढ़ नहीं रही है। हम लोग देखते क्या हंसते थे। एक दिन कर्नल साहब पैग लगाए, यार जबान का टेस्ट ही खराब हो गया है, ड्रिंक भी चाय वर्गी लग दिया है। और आपने कभी जाके बताया नहीं कर्नल साहब को कि ये सोनू मोनू की चाल है? स्निचेस गेट स्टिचेस। ये कहावत आपको उस समय पता थी? हमेशा से पता है, आपको कहावतों सब का पता है। इजाद हमारी जनरेशन ने की है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अब मेरे को ये बताओ कि तुम बहुत अच्छा गाना बनाए है इस क्वारंटी में। हाँ, मैंने म्यूजिक वीडियो थोड़ा सा शूट किया है खुद के लिए। दो लाइना सुना दो उसकी, मैं खुश हो जाती हूँ। अरे वाह, आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए गाऊं? अरे मैं तो तुमको ही चाहती हूँ पूरी की पूरी। ओके ठीक है। आपको वही वाला गाना सुनना है या आपको कोई और गाना सुनना है? आपकी फरमाइश, जो जो बताइए। तुम्हारी मर्जी, तुम जो खुशी से सुना देते हो मैं सुन ले को लेती हूँ।
अरे वाह, हाय हाय, ठीक है। चलिए हम फिर क्यों ना आज एक ऐसा गाना गाएं जो मैं खुद उसमें हूं, उस गाने में, जो है यारी। काफी लोगों को शायद पता होगा ये गाना, ये पंजाबी गाना है। तो आप पंजाबी समझ लेती हैं कि नहीं? हाओ डॉली की मम्मी मेरी दोस्त है ना बचपन से। अरे हाँ, डॉली आओ, जी। डॉली जी को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, मतलब आपको पंजाबी आती है तो ऑब्वियसली सब ऑडियंस को भी आती होगी थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सारे गामा मैं छोड़ देती हूँ, सीधा हम शुरू करते हैं, ठीक है। करेक्ट। थोड़ा फीलिंग दा रख ली ते आने वे, करी ना के तू एहसान वे, ए उम्मीद कदे साथ नहीं हो छटेगा, जान बन के तू जान नहीं हो कटेगा, मासूमियत लुट जे गई, हंसा उड़ जू चेहरे तो, तू यारी तालावी, जे निभोगी तेरे तू। थैंक यू। अरे वाह 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 वाह, क्या मस्त गाए थैंक है। और भी थोड़ी देर में गाना सुनूंगी। पहले मेरे को ये बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यू। बॉयफ्रेंड नहीं है यार। अच्छा है, पूछो क्यों। क्यों? चांद पे किसी का एक हक नहीं हो सकता। अरे कुशल टंडन कैसा है कुशल? बहुत दिन हो गए इसको देखे, इन्हों बहुत अच्छा लड़का है। कुशल टंडन को जानते हैं तुम? कुशल सर, हमारे हमारे सर कैसे हैं सर? इन्हों बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके साथ एक शो की थी। बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छा हैं। सॉरी, कुश कुशल आई टंडन डोंट आई इनो डोंट आई हीरो डोंट नो है। कुशल टंडन नहीं पता मुझे, अवस्थी पता है। कुशल अवस्थी तो इनो डायरेक्टर है ना, हाँ, अलादीन नाम वही तो सुना होगा। कुशल एग्जैक्टली। टंडन इनो एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत अच्छा लड़का है। इनो अपने बचपन के किस्से मेरे को कभी कभी सुनाते बैठ के, इनो क्या अरे क्या वाह, अरे बदमाशी करते थे। वाह, मतलब बिल्कुल आपके जैसे। हाँ बिल्कुल, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, सबके आप जानती जैसे। हैं हमारे जो पिताश्री है वो भी ये लाइव देख रहे हैं, हमारे अब्बू आई थिंक। अमन आपको सब पता है। मैं सबके खबर रखती हूँ, नाम अब्दुल नहीं हुआ तो भी क्या सबके नजर रखती हूँ। कमाल है, कमाल है, कमाल है। अरे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। चाची आई लव यू चाची, कोई बोल रहा है चाची आई लव यू चाची। आई लव यू टू, कुशल भी बोल रहा आई लव यू गुल्लू, आई लव यू टू। और ओह सो स्वीट। कितने लोग बोल रहे हैं, अवनीत हमारा नाम ले, अवनीत हमारा नाम ले, अवनीत हमारा नाम ले। अरे लेकिन तुम लोगों की आईडी ऐसे है, उसमें कैसे कैसे नाम लेना भाई? अपने नाम लिखो तो उन्होंने नाम लेंगी ना। हाँ, आप अपने जरा नाम बताएंगे तो हम आओ, अभी अवनीत ऐसे बोलेगी a.ma_XX आई लव यू, कैसे चलेगा भाई? अच्छा है ना, उसमें आई लव यू भी उन्होंने लिख दिया है तो। खुफिया प्यार फैलाए जा रहे हैं यहाँ जी हाँ, जागृत पे। जागृति लखा लखानी, और लव यू अवनीत, लव यू टू। कायमा सायमा खान बोल रहे मेरा नाम लो। खान जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कितने लोग नाम लेने का बोल रहे, सबका नाम ले लेते बाद में। आई लव मास्ट मैन चाची, इनो चिंतन पावलनकर को जानते तुम? जी, जानते हैं हम, बहुत अभी मेंशन नहीं किया था हौला है, उनको। हौला नंबर वन इस पे पिक्चर बनने वाली है। एक नंबर का दीवाना है, सरकटी मुर्गी की तरह यहां से वहां वहां से यहां भागता फिरता है। कभी मेरे नाम बदनाम करता, मेरे बॉयफ्रेंड है। अभी कोई तो भी मास्क मैन है बोल रहे, मेरा चक्कर उसके साथ है। मैं क्या चक्कर चलाने वालों में से दिखती हूँ? मैं कितनी अबला हूँ।
हाँ दिखती तो है अब मेरा मतलब नहीं नहीं कौन है ये मास्कमैन, जरा अरे हमें बताएंगी कौन है ये? पता नहीं, मेरे को बोला इन्हों मास्कमैन आएंगा आएंगा, वहां करण अर्जुन नहीं आ रहे, यहाँ इसका मास्कमैन नहीं आ रहा है। अभी अरे तो लगता है वाह, मेरे मैंने को इन बहुत चर्चे मास्कमैन को सुने नहीं, मास्कमैन के बारे में। लगता है मुझे अपने जुल्फों का जादू बिखेर के मास्कमैन को लाना पड़ेगा। आप हाँ जरूर देखना चाहेंगे, सब लोग सबकी फरमाइश है। कौन है ये सीक्रेट अच्छा, लवर? अरे ऐसे तो बहुत सारे हैं, सिगरेट केस भर गया, इतने सिगरेट कोई बोल रहा है मास्कमैन अलादीन है, अलादीन काला चोर है। वो काला चोर है, देयर इज अ डिफरेंस। अरे प्रिया पटीदार, हाट हाट भेजी है प्रिया पटीदार, मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उम्र में अरे मेरे से वाह, आधी से आधी से आधी है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत मेरे से अच्छा भी गाना छोटी। गाती नो। नहीं तुमसे बड़ी है, तुमसे अच्छा तो बड़ी है, मैं, बहुत अच्छा अच्छा ठीक है, गाना गाती है, बहुत अच्छा गाना गाती है। कोई बोल रहा है मास मैन है फैसू, है फैसू, कोई बोल रहा है नेक्स्ट वीक मास मैन इज गोइंग लाइव, अभी ये कौन क्या आप फैसू। इस चीज से सहमति रखती हैं? मैं तो बहुत सहमति रखती हूँ, इंतजार भी कर रही, कहाँ इनो मैक्समैन, जरा सामने तो आओ, चलिए छुप छुप चलने में क्या राज है। से माय मैं नेम तुम्हारी एक अवनी थाए डांस दागी नेम हाय देखी साहे। थी, कहाँ कौन से डांस दिखा आपने मेरा? आप तुम इतने छोटे से थे 8 साल के, इतने से तुम इतनी अच्छी लावनी की है, इतनी अच्छी लावनी कर दी है कि सबको फेल कर दिए थे। अरे थैंक यू, मुझे लग रहा है गीता माँ आप के होठों पे बात हंसी कर और रही हम लोगों के हैं। आंख, गीता माँ के होठों पे हंसी और हमारे आंखों में आंसू थे खुशी के। अरे वाह, थैंक यू सो मच। वो लामनी, मैंने, मुझे याद है मैं एक दिन पहले उसके, पता है आपको, मैं सोई नहीं थी और मैंने दो दिन से मैं नहीं सोई थी, और हम लोग रिहर्सल कर रहे थे डीआईडी के टाइम पे, और मैंने सारा अपना सामान वगैरह वहां ही लेकर रखा हुआ था, जो ऑडिशन हॉल्स होते हैं ना, ऑडिशन बोलूँ सॉरी, जो रिहर्सल हॉल्स होते हैं वहां पे। एंड आई रिमेम्बर द डे बिफोर दैट, मैंने वहां से, मतलब मैं ब्रश करके गई थी सीधा डायरेक्टली शूट करने, और मैं बिल्कुल सोई भी नहीं थी, पूरा रात रिहर्सल कर रहे थे। इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगी ना उस वीडियो में, मेरी आंखें पता कैसी लग रही है, ऐसी। अभी वो ऐसी लग रही है, हाँ मैं हंसती हूँ तो मेरी आज क्या आंखें मेरे थोड़ी साथ सी बंद हो लाइव जाने जाती को रात हैं। भर सोई नहीं। अरे मैं वेट ही नहीं कर सक रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इतनी एक्साइटेड थी, क्या अभी बताऊँ। मैं चाहती हूं कि तुम बहुत जल्दी एक वीडियो पोस्ट करो अपना, क्या अच्छे से करते हुए कॉस्ट्यूम पहन के, बहुत अच्छा सा एक कथक पेश करो सारी पब्लिक के लिए यूट्यूब पे। आप मेरे दिल की बात कह दी आपने, मेरे दिल की बात और मेरी मम्मी की दिल की बात कह दी आपने। मैं चाहती हूं यूट्यूब पे उस पे 100 मिलियन लाइक आए। कैसे बोल दिया आपने, ये तो करना पड़ेगा मुझे, करना पड़ेगा ये करना डांस, ही अब मुझे नाचना पड़ेगा। पड़ेगा। कहाँ इनो है मेरे चिंतन बोल रहा है वीडियो? चाची, इनो चिंतन बोल रहा है चाची के बातों में मत फंसना। अरे चुप बैठ हावले, चाची के जुल्फों में जवानी में लड़के फंस गए जू बन के, अभी क्या चाची के बातों में नहीं फंसेंगे बच्चे। अभी हे तुमको ये भगवान, वीडियो बनाने का है मेरे लिए, ये वीडियो मैं आपके लिए पेश करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये मैं तुमको टास्क देती हूँ, ये आपका जो टास्क है ये मैं कंप्लीट करूंगी, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस टू यू दिस नाउ। ठीक। मल्हार पंड्या, मल्हार पंड्या मेरा दोस्त है, यार आपके बड़े बात दोस्त आ रहे हैं लाइफ पे, क्या बात है। है,
बहुत है मेरे दोस्त लेकिन कभी घमंड नहीं किया इनो प्रिया पाटीदार बहुत अच्छा केक भी बनाती है। मुझे खिलाएंगी कभी आपकी दोस्त प्रिया जी केक? हाँ खिलाएंगे। एक दिन क्या कर रहे करते हैं रात को लेकिन इन्हो तुम्हारे ग्रुप में नहीं है, इन्हो सोनिया नंद्रा वाले ग्रुप में है। ओ, मुझे तो लग रहा है सोनिया कि जो मेरी माँ है, जो मेरी सोनिया, जो सोनिया नंद्रा आपकी दोस्त है, वो क्या कहते हैं डॉली जी की भी दोस्त है। वो सबकी दोस्त है क्योंकि उसका दिल साफ है, उसको हर गुना माफ है क्या बात है यार, आपके जैसे मुझे बात करना सीखना आपके जैसे। अरे मैं तुमको सिखा दूंगी, ऐसे क्या ऐसे फर्राट सिखाऊंगी। हैदराबाद के चार मीनारा पे जाके तुम खड़े हुए तो लड़के बोलते इनो हैदराबादी है, ले लो कसम चार मीनारों की। क्या बात कर रही हैं आप, मुझे हैदराबादी बिरयानी खिलाएंगी? आपको आती बनानी? हाँ हैदराबादी बिरयानी बनानी आती है, अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। एक काम करो, जब ये सब खत्म हो जाता तुम दोनों मिलके हैदराबाद जाते, चार मीनारों की गलियों में अहमद मियाँ की दुकान से चूड़ियां खरीदेंगे। ओहो, अब तो मैं जाऊंगी जाऊंगी। और मुझे वहां का खाना, मैंने सुना है बहुत ही यम्मी होता है वहां का खाना, भी मुझे ट्राई बहुत करना है। अच्छा है, वहाँ बहुत फेमस फेमस है, पैराडाइज की बिरयानी है, लेकिन मेरी फेवरेट है सारवी की बिरयानी। क्या बिरयानी, क्या चिकन 65, कसम ले लो अरे यार हौले हो जाते खा खा के। हौले का मतलब क्या होता है आप बताएंगे हमें? हौले का मतलब होता है एमएडी मैड। एमएडी मैड, ओके हौले। मैंने एक नया शब्द सीखा आज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज के बाद कोई भी लड़का छेड़ा बोला चुपरे हौले। अच्छा ऐसे बोलूंगी चुपरे हौले, ठीक है। लड़के, हाँ लड़के को बोलते पुट्टा, पुट्टा पुट्टा, चुपरे पुट्टा, चुपरे चुपरे पुट्टे, चुपरे पुट्टे। हाँ लड़की को बोलते पुट्टी, पुट्टी, ओके, पोटी पोटी पोटी। हाँ मोटी का राइमिंग पोटी, ओके चुपरे पोटी। चुपरे पोटी, खट्टे रुबावा मारो नको, ये इसका क्या मतलब है? खट्टे रुबावा मारो नको यानी बेकार का एटीट्यूड मत दो। खट्टे रुबारे मारे नको, खट्टे रुबावा, रुबावा यानी एटीट्यूड, खट्टे यानी सावर, खट्टे रुबावा मारो नको, खट्टे रुबावा मारो नको। शक्ल ऐसी मत बना कि बिरयानी खा को आए है, मेरे को मालूम तेरे घर में फल्ली का सालन बना है अरे आप क्रेजी यार, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड ना बन जाओ, कृपा को कंपटीशन ना दे दो आप। कृपा बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लड़की है ना। हाँ बहुत अच्छी, तुम लोग दोनों की दोस्ती बहुत मस्त है, आए एकदम परफेक्ट। आजकल दोस्त मिलना बहुत मुश्किल हो गया ना, क्या करें, और इतनी अच्छी दोस्त मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, वही दोस्ती को जमा कर रखो। आप जानती हैं कृपा ने मेरे इधर टैटू कराया है? हाँ मालूम है, एक दिन मैंने उसको देख ली थी, मैं बोली एक केक तो छोड़ो के तो देखो मालूम है एक कौन है तो बोली मैं बोली ओ दोस्ती के नाम का टैटू, बड़ी चालाक लड़की है। क्या है ना, दोस्ती में ब्रेकअप और डिवोर्सा नहीं होते, एग्जैक्टली टैटू परमानेंट हो जाता टैटू निकालने के लिए नहीं जाना पड़ता ना, फिर दोस्ती इसलिए अच्छी है। हाँ हमारे जमाने में तो और भी हम लोगों ने शॉर्ट कटा निकाले थे। क्या क्या बोल रहे हो, बाप रे, मेहंदी से नाम लिखो 8 दिन में दूसरा नाम टेंशन ही नहीं सही है, 8 दिन का पीरियड एकदम सही है, हाँ एकदम परफेक्ट, 8 दिन चल गया शाम तक तो चलेगा ये चांद तक ये भगवान, ये मैं मेहंदी वाला ट्रिक करने वाली हूँ।
था, अरे बेटा उन्हों पिक्चर देखी मैं, कुछ कुछ होता है, हाँ उसमें डायलॉग था, प्यार क्या एक बार होता है, शादी एक बार होती है, हौला है क्या हमारे जमाने में? तो हम कितनी बार उनके बच्चों की फूफिया और उन कितनी बार हमारे बच्चों के मामू बन गए अरे लोग। बाप जान रे जान 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 घर वालों ने शादी कहीं और करा दी तो इनो बन गए भाईजान 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 भाईजान। अरे बाप रे, ये तो हद हो गई यार। एक तो हमारे घर वालों को मस्त गंदी है आदत थी, किसी क्या? लड़के से बात किए तो पकड़ के मौसम बेमौसम राखी बंधवा लेते थे। मैं बोलती थी अम्मी के पास इतनी राखियां आती कहाँ से है, साल अम्मी में एक को बार उनके 100 200 पापा ने, लेकर। उनकी मम्मी ने किया होगा उनके साथ ऐसे, इसीलिए वो राखियां कलेक्ट करके रखी हुई है एक आपके तो लिए। देखो हम लोग हिंदुस्तानी है, एक बार भाई बोल दिए तो भाई बोल दिया खलास, खलास। वहां की टिकट कट गई अच्छा है ना। तो क्या क्या टिकट कटी, पड़ोसियों की टिकट कटी भाई भाई बोल के, हाँ हाँ सही बोला एकदम, हाँ पड़ोसियों की तो पहले कटेगी। सहेलियों के भाइयों की टिकट कटी भाई 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 बोल के, भाइयों ओह सो सैड। के दोस्तों की टिकट कटी भाई 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 बोल के। अरे रे ऐसा बोलते हैं कि एक चुड़ैल 7 घर छोड़ के वार करती है, हाँ हमारे अम्मी अब्बू ने तो 7 गांव नेस्त तो नाबूद कर दिया, हमारा नंबर इसने लगने दिया। पर ठीक है, देखिए जब तक आप भाई नहीं गगन के मानेंगे तब तो हिसाब से क्या भाई, फर्क पड़ता है। नहीं बेटा हम हिंदुस्तानी, हमारा कल्चर हमारे अब्बू के बाजू से ज्यादा स्ट्रांग। एक बार आपके बोल दिए बेसिकली तो कितने बोल भाई है, मैं दिए, जानना चाहूंगी कितने भाई हैं आपके? एक हद के बाद गिनती छोड़ दी, उसके बाद मोहल्ला ही छोड़ दी, बोले नको ऐसे मोहल्ले में क्या रहना जहां झोल नहीं कर सकते। तो आप मोहल्ला छोड़ के कहीं और चलेंगे क्योंकि उस मोहल्ले में बहुत ज्यादा भाई हो गए थे। अरे मैंने भाई बोलना छोड़ दी, बोलो कैसे? कैसे? अच्छा जब अम्मी बोलती थी ना तुम्हारा भाई है, तो मैं बोलती भाई है आई है। जिसको दिल से नहीं माने उसको बुलाना एग्जैक्टली, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्यों? अच्छी अच्छी आइडिया है मेरे पास। बहुत बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट तुम एक और गाना सुनाओ मेरे को, 2 लाइन। है। अच्छा ठीक है, इस बार हम आपको सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? आप हिंदी गाना सुनना चाहेंगे या आप इंग्लिश गाना सुनना चाहेंगे, आप बताइए। जो तुम्हारी मर्जी, मैं सब भाषा समझ लेती हूँ। अब आप इंग्लिश समझ जाती हैं? हाँ अरे मैं तो उन्हों धरती आई थी मेरे साथ, मैंने उससे बेला चाओ गवाई, स्पैनिश गाना है उन्हों। बेला चाओ किसने गाया है ये गाना? हमारी एक सहेली है इन्हों बहुत अच्छा गाना गाती है, उसका गाना अभी ईद पे रिलीज होने वाला है। अरे वाह क्या बात है, क्या इन्हों बात है, चिंतन पावलनकर उसका प्रोड्यूसर है। अरे वाह क्या बात है। एक बात बताना चाहती हूँ चिंतन के बारे में, गुड मैन हाँ बैड पर्सन, गुड मैन बैड पर्सन। हाँ दोस्तों के लिए बहुत खराब है, सारे पोल खोल देता है यहाँ आके। अरे बाप रे, फिर मुझे ध्यान से रहना पड़ेगा अगर कभी मिला तो। अरे बहुत खतरनाक है इनको, पोल पोल सारा सोशल मीडिया पे आके पोला खोला है। मेरी बड़े मियाँ मेरे से हमेशा मुंह सड़ा के बैठते, बोलते तुम्हारे बॉयफ्रेंड आ है जाओ। आज 8:15 बजे मेरे को बोल रहे थे मेरे लिए चाय बनाओ, मैं भी हट, उनको मालूम था ना मेरे साढ़े लिए आठ बजे बनाओ। जाती हूँ इनको मालूम था 8:30 बजे ऑनलाइन जाऊंगी, इसके लिए जर रहे सो। अच्छा तुम गाना सुनाओ चलो इंग्लिश अच्छा सा। अच्छा ठीक है, जो मैंने YouTube पे डाला है वही वाला गाना सुनाती हूँ आपको फिर। अरे नो मास्क मैन आ गया, देखो बोलो गुल्लू हम भी आपके दोस्त हैं। किसिंग वाले मोजी दिया है, अरे कहाँ जाके शर्माऊँ।
बाप रे बाप, कहीं शर्म से गिलास में डूब ना जाऊं। ये लीजिए ये बोतल, बोतल में डूब जाइए, बहुत ज्यादा भरी हुई है। अरे बोतल में डूब जाऊंगी तो मैं जिन हो जाऊंगी, तुम्हारे अलादीन में एक और जिन लाना पड़ेगा। अरे यार एक और जिन नहीं चाहिए, हमें बहुत जिन हो गए। हम थे जिन के सहारे, वो ही घर में घुस गए बेचारे। कमाल है। चलिए ठीक है, आज अभी हम आपको आजकल एक हाँ अच्छा सा गाना वो सुनाए। सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे। ओके ठीक है, स्टार्ट क्या था यार। हाँ चलिए चलिए। I'm lying on the moon, my dear, I'll be there soon. It's a dark and shiny place, times were swallowed up in space. We're here a million miles away. There's things I wish I knew. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and way a million miles away. Yay! अब आप बताएं इसमें से आपको क्या समझ आया? साफ समझ में आया, इतना रोमांटिक गाना है, पूरा का पूरा समझ में आया है। बहुत रोमांटिक। हमारे जमाने में अरे हम भी बहुत रोमांटिक गाने गाने सुनते थे, जैसे इंग्लिश में, जैसे उन्होंने था रॉकसेट का गाना था। आप आपको वो वाला गाना पता है, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू। कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू था, एना सॉन्ग था, सॉन्ग था, सोए था। सोए क्या था? आप तो बड़ी रोमांटिक लगती है हमें। डिंग 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 डिंग। हाँ अरे रोमांस ही सब कुछ है जिंदगी में, नफरत के लिए जगह ही नहीं होना चाहिए, प्यार करने को कितनी चीजें हैं। सही बोला आपने, एकदम सही बोला आपने, एकदम सही। और तुम्हारे उम्र में तो प्यार करने को कितने लड़के हैं, सिर्फ चीजें ही नहीं। जरा कैमरा पैन भी किया करो यहाँ से वहां, असलियत खुल जाएगी। आप मेरे को बताइए, आपके जमाने में आपके कितने बॉयफ्रेंड हुआ करते थे? अरे ऐसे सवाल नहीं पूछते बेटा। बड़े मियां पास में बैठे सॉरी माफी चाहते हैं हम। जो उनकी तुम उधर है लेकिन कान इधर है, कान तो इधर है। जैसे मैंने बॉयफ्रेंड बोला सीधा कान। क्या बोला? सही है। Dee, please take my name once of me. Hi, Alex D'Souza. Hi, how are you? Hi, Avneet Kaur. सुनिए मैडम। हाँ बताइए जी, अतुल जी बताइए, कुछ बताना चाह रहे हैं हमें। सुनाइए, हम तो सुनने को हमेशा तैयार है। जी हाँ एकदम एकदम तैयार है। गुल्लू आई वॉन्ट अ डेट विद यू। डेट क्या है, इस उम्र में पूरा कैलेंडर ले लो। क्या बात है, क्या बात है, मतलब एकदम खुले एक उम्र के बाद प्यार करेंगे हम दोनों। बिल्कुल एक उम्र के बाद में कोई शक भी नहीं करता, मोहल्ले वाले बात भी नहीं करते। सोनिया कैसी हो? क्या है, किसी को सोनिया? अरे सोनिया आ गई क्या, जरा शक्ल दिखाओ तो। सोनिया इधर ही है, शर्मा रही है। सोनिया जी की जो शक्ल है वो नहीं दिखाना चाहिए।
देखिए क्या बोल रही है सोनिया जी, क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि हमने आपको इतनी बार मैसेज किया है और हमें मैसेज का रिप्लाई नहीं आया है। झूठी झूठी हमेशा तुम्हारे खामोश। मैंने लाइफ में इतनी बार मैसेज किया, लव यू भी बोला, लव यू भी बोला, लव यू बोल दिया। अरे यहाँ मां मैं देख ही नहीं, इतने लोगों ये अवनीत के इतने चाहने वाले हैं डजन के हिसाब से। हेलो लव यू, हेलो लव यू, हेलो लव यू, स्माइल स्माइल स्माइल, हार्ट हार्ट हार्ट। अवनीत मेरा नाम लो, अवनीत तुम टिकटॉकर देखो, यू आर द ओनली टिकटॉकर आई लव, फिर हार्ट हार्ट हार्ट, फिर दिल दिल दिल। अभी अवनीत के दिलों में तुम्हारा प्यार कहाँ घूम गया क्या? वो बोल रही है कि पर हम ही आपको ही तो प्यार दे रहे थे बस, और अवनीत को थोड़ी ना प्यार दे रहे थे हम, लेकिन रूबरू प्यार करने वालों में से है, रूबरू प्यार करने वालों में से है। अरे नहीं, बचपन में हमारे नाम से ये सोनू के पास चली जाती थी। सोनिया का नाम लेके सोनू के घर में। अवनीत, वी विल गो फॉर न्यू एवेंजर्स। कभी जाएंगे न्यू एवेंजर्स, कोई इनसे वादा मत लो फिल्म देखने का, इनो बहुत धोखा देती है। अभी तक फ्रोजन देख रही हूँ मैं। क्या कहा आपने? मास्टरमैन ऑफिशियल बोल रहे हैं हमें, तो हम तो जाएंगे। देखिए आपको आने तो आप आ सकती है। हाँ हम तो देखेंगे कि तुम लोग कैसे जाते हैं। टिकट काउंटर पे कोरोना बन के बैठ जाऊंगी। और आप बताइए क्वारंटीन में आप क्या हाल चाल है आपके, बताइए क्या कर रही हैं आप? हाल ठीक है, चाल बहुत खराब है। चाल बहुत खराब है। मेरी दोनों बहुआ बिल्किस और नरगिस दोनों दिन भर यहाँ से वहां मंडराती रहती है तितलियों की तरह, ना जाने इतना जोश कैसा है, ऐसे लग रहा है सब काम इनोज करती है। मैं आपको बताऊं, ये जो भी बिल्किस और क्या बोला आपने, नरगिस, नरगिस और बिल्किस, नरगिस और बिल्किस को आप थोड़ा क्या कहते हैं, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड की जरा बताइए, आपके जो कोई कॉन्टेक्ट है तो। इनसे मैं इतनी बातें शेयर ही नहीं करती हूँ, हौली है दोनों। बच्चों को सब कुछ नहीं बताना है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। नहीं सब कुछ नहीं बताना है, अपने सीक्रेट नहीं खोलने हम दोनों के गुल्लू। हाँ नहीं नहीं, तुम्हारे मेरे सीक्रेट तो एकदम डब्बे में बंद है, इनको तो मालूम कर दो, तुम इनके दिमाग में मत डालो। यहाँ मैंने सोचा था कि हम दोस्त बन रहे हैं। हम तो दोस्त है ही, मेरे में बहुत सारी पर्सनालिटी है, एक पर्सनालिटी तुम्हारा दोस्त बन जाती, एक पर्सनालिटी उनकी दोस्त है। उनको और मेरे सीक्रेट तुम जान नहीं सकते अवनी, तुम्हारे कानों में से धुआं निकलेगा। लाल मिर्ची वाला, लाल मिर्ची। बापरी बाप, और बताएं। वो मैं एक सुन रही थी, उन्होंने टिकटॉक पे है, शहनाज का है शायद, तुम्हारा तुम्हारा दिल दिल हमारा दिल कुछ भी नहीं, तोड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। इसमें मैं भी ऐड करती हूँ, तुम्हारी खांसी खांसी हमारी खांसी कोरोना। That is good one. ये आप अब जोक जोक पे किताबें, मतलब आप किताब लिख सकती हैं जोक्स वगैरह जो आप ये बोलती रहती है ना, इस पे आप एक किताब लिखेंगी बहुत जल्द। मैं एक लड़की को जानती हूँ, खूबसूरत सी है मेरी फूल जड़ी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखती है। अरे अभी कोरोना, हाँ अभी कोरोना खत्म होएगा तो उसके कोट्स छाट के एक कॉफी टेबल बुक बनाएंगे। मैं बोल रही हूँ ये काम कर सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। फिर उस कॉफी टेबल बुक को हम लोगों में सर्कुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि उस लड़की के जो शब्द है सब सुने, सब सुने, सब सुने। हाँ मैं उस उन ख्यालों को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हैं आप भाई, मैं रोना पड़ू अब। उसके ख्यालात और तुम्हारे घुंघरू
दुनिया में घुंघरू चाहिए। आज आज कुछ होने वाला, जिन्होंने बताया है कि थोड़ा कथक वथक करना पड़ेगा, बोल दिया इन्होंने तो करना ही पड़ेगा, वो तो होने वाला है आज जबरदस्त। भेज रहे हैं आपको, मैं शूट करती हूँ वीडियो और पहले आपको मिलेगी वो वीडियो। भेजो और फिर उसको यूट्यूब पे लगाओ, उस पे हजारों मिलियन और लाइक आना चाहिए। लोग हौले हो जाएंगे, लोग हौले हो जाएंगे, दीवानावार दीवारों पे सर पटकेंगे, चार मीनारा पे झूम झूम झूमेंगे। हे भगवान, मेरे तो चीख दर्द हो रहे हैं। तुमको मैं लेके जाऊंगी हैदराबाद, वहां की बिरयानी खिलाऊंगी, वहां की चूड़ियां पिलाऊंगी। चूड़ियों के साथ मैं चाहूंगी कि मैं एक अच्छा सा इंडियन सूट भी पहनूं। हाउ इंडियन सूट भी, चूड़ियां हैदराबाद की नग वाली चूड़ियां बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और वहां के मोतियों के झुमके माशाल्लाह, तुम पहन के निकलेंगे तो क्या दिखते, एकदम शहजादी। अरे वाह, क्या बात है, मेरे को चाहिए, मेरे को, मैंने पहनना है, मैंने वहां पे जाके मैंने फोटो शूट कराना है। आओ मैं लेके जाती हूँ तुमको। आपके पास कैमरामैन वगैरह सब है ना? मैं रेडी हूँ, सब रेडी करके वहां पे लेके जाते हैं। ला मकान वहाँ बहुत फेमस जगह है, स्मॉल थिएटर अच्छा? है वहां पे, हम एक परफॉर्मेंस करेंगे तुम्हारा। क्या बात कर रही है, थिएटर में हम परफॉर्म करेंगे? अरे वाह, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो बेटा उसी दिन आ गए जिस दिन तुम पैदा हुई, माशाल्लाह। थैंक यू। मैं क्या बोल रही हूँ, पहले ना हम लोग फोटो शूट कर लेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे, क्योंकि फिर फोटो शूट में थोड़ा पेट वेट। अरे सब ऐशो आराम करेंगे, तीन चार दिन बहुत मजे करेंगे। ठीक है, मैं तो फूड चिकन बिरयानी दबाने वाली हूँ। और वहाँ पे फिरनी वगैरह भी बहुत फेमस है, क्या फेमस है वहाँ पे स्वीट में? वहाँ पे गाजर का हलवा, पका पका को लाल गाजर को काला कर देते, इतना टेस्टी लगता। पर फिर लाल गाजर को काला कर देंगे तो फिर कैसे टेस्ट लगेगा? तुम खा के देखो, यकीन नहीं आता तो खाने। मेरे को खाने और डबल का मीठा और फिर डबल चिन भी आ जाएगी। नहीं नहीं आती, कुछ नहीं आती, वहां पे इतना घूमेंगे सारा वर्कआउट हो जाता कार्डियो। मैं बोल रही हूँ, आप जी और हम जी और डॉली जी और सोनिया जी हाँ, ये चार लोग चलेंगे साथ में, लेडीज धमाका मचाने, लेडीज। हम लोग जय को भी लेके चलेंगे, उन्हें अच्छा लगता है। जय इज नॉट लेडीज, ही कैन नॉट कम। कोई बात नहीं, हम उसकी चोटी बना देंगे तो छोटी छोटी। जब मैं सोनिया को सोनू बना सकती हूँ तो सोनू को सोनिया क्यों नहीं? ए, सही बोला, सही पकड़े, सही, एकदम सही पकड़े। और सुनाओ अवनीत, क्या प्लान है? मुझे अटक गया तुम्हारा वीडियो। हाउ मास्क मैन, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन हैदराबाद। सबको हैदराबाद लेके जाती हूँ, तुम्हारी तो शक्ल देखने को तरस नहीं, तुम है कौन? अवनीत का वीडियो अटक गया है। मिस्टर सचिन कैसे हैं आप लोग? सबको हंसी आ रही है, मजा आ रहा है इस लाइव में। लगता है अवनीत का लाइव कट गया। अभी हम लोग अगले जुम्मा को मिलेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे। गला सूख रहा है इतनी बात करके। तब तक तुम लोग सब अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट फ्राइडे को हम मिलेंगे। वालेकुम सलाम मैडी मुंबई, और जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, बी होम बी सेफ। अच्छा चलो, एक हफ्ते बाद मिलते हैं। टाटा, सी यू, बाय बाय। मुस्सू, मिस्टर विशाल, हिप हॉप किंग, ऋषिकेश, सबको हैप्पी रमजान, हैप्पी रमजान।
जिया हिफ्जा, अनिल शर्मा, नूर जारा, सबको सबको मेरा सलाम, हेलो, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।